ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नित्यनाहू के घर को निशाना बनाया गया है। एक साथ कई ड्रोन से हिजबुल्लाह ने हमला किया है। लगातार संघर्ष की स्थिति बढ़ती जा रही है। केसरिया में नित्यनाहू के आवास पर हमला किया गया। नित्यनाहू के घर के पास ये ड्रोन जाकर गिरा है। नित्यनाहू कहाँ थे फिलहाल इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन हिजबुल्लाह ने जो है नित्यनाहू के घर को निशाना बनाया इसकी पुष्टि इजराइल ने भी कर दी है। जो नित्यनाहू का पुश्तैनी आवास है वहां पर ड्रोन अटैक किया गया हिजबुल्लाह के द्वारा, नित्यनाहू के घर को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें भी सामने आ गई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो है यहाँ पर हिजबुल्लाह ने जो नित्यनाहू का पुश्तैनी घर है केसरिया में आवास पर जो है ड्रोन अटैक किया है। उसके बाद इजराइल में भगदड़ मच गई। फिलहाल इजराइल ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। अब ऐसे में IDF किस तरीके की कार्रवाई अब हिजबुल्लाह पर करता है ये फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष तेज हो गया है। हिजबुल्लाह ने आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नित्यनाहू के घर पर ड्रोन अटैक किया है। हिजबुल्लाह ने नित्यनाहू के घर पर ड्रोन अटैक करने का दावा किया है। इजराइल के केसरिया इलाके में हिजबुल्लाह ने कई ड्रोन से हमला किया। इस इलाके में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नित्यनाहू का निजी आवास है। हालांकि इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ड्रोन को मार गिराया है। इस दौरान एक ड्रोन ने केसरिया में एक बिल्डिंग को हिट किया है। ड्रोन हमले के समय इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नित्यानाहू उस आवास में मौजूद नहीं थे, वो फिलहाल कहीं बाहर थे। और बात की जाए तो IDF के मुताबिक हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में किसी भी प्रकार के हताहत की सूचना नहीं सामने आई है। जानकारी के मुताबिक इजरायली सेना ने 2 ड्रोन को मार गिराए हैं और स्थिति की जांच की जा रही है। केसरिया में ड्रोन हमले को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया है, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के ये तस्वीरें हैं। ये वही आवास है जहाँ पर हिजबुल्लाह ने जो है ड्रोन अटैक किया है। ये केसरिया इलाका है, यहाँ पर बेंजामिन नित्यानाहू का पुश्तैनी आवास है। और अब जो है जो हिजबुल्लाह ने सीधा टारगेट किया है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नित्यानाहू को। तमाम प्लान और तमाम स्ट्रेटजी को बनाकर हिजबुल्लाह ने कई ड्रोन दागे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नित्यानाहू के आवास पर। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर में आपको जो है कई सारी गाड़ियां नजर आ रही होगी। और फिलहाल इस ड्रोन अटैक को लेकर IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लेकिन सबसे अच्छी खबर ये है कि जब बेंजामिन नित्यानाहू के आवास को निशाना बनाया गया, जब बेंजामिन नित्यानाहू के आवास पर ड्रोन अटैक हुआ, उस समय बेंजामिन नित्यानाहू की घर पर मौजूदगी नहीं थी। किसी भी प्रकार की कोई हताहत की खबर सामने नहीं आई है। यहाँ पर बात की जाए तो केसरिया में ड्रोन हमले को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि बेंजामिन नित्यानाहू और उनकी पत्नी हमले के दौरान केसरिया वाले आवास पर नहीं थी, यानी उनकी मौजूदगी नहीं थी। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में प्रधानमंत्री आवास को निशाना बनाने की कोशिश। हिजबुल्लाह के ड्रोन जैसे ही इलाके में घुसे सायरन बजने लगा। इजरायली सेना ने हेलीकॉप्टर से ड्रोन को निशाना बनाया। 23 सितंबर से इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। इस दौरान 27 सितंबर को बेरूत, जो लेबनान की राजधानी है बेरूत में, एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत हो गई थी।
हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से जो है हिजबुल्लाह ने अब जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाया है, उनके आवास पर ड्रोन अटैक किया गया। इजराइल ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि जब ये ड्रोन अटैक किया गया उस समय जो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी की घर पर मौजूदगी नहीं थी। अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते में इजराइल ने नसरल्लाह के उत्तराधिकारी सफीद्दीन को भी मार गिराने का दावा किया था और इसके बाद से ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। इसी पर जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है और अब जो है हिजबुल्लाह ने सीधा बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाया है, क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा निशाना बनाया गया है और ये बड़ा ड्रोन अटैक बताया जा रहा है। ये पीएम नेतन्याहू जिनका केसरिया इलाके में ये दूसरा आवास है, उसी आवास को निशाना बनाया गया है। यानी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की गई है हिजबुल्लाह की तरफ से। लेकिन गनीमत ये रही, हमला तो हुआ ही है, घर के बाहर कई ड्रोन जो है अटैक हुए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी जो है वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी और यही वजह है कि सब सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा ड्रोन अटैक है और उससे बड़ी चीज यह है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को निशाना बनाया गया है, इसलिए अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी निशाने पर आ गए हैं, यानी हिजबुल्लाह ने अब उनको भी निशाना बना लिया है। तो कुल मिलाकर ये केसरिया का इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये ड्रोन अटैक हुआ है। और देखिए, कई ड्रोन अटैक की तस्वीरें जो है ये प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उसी घर की है जो केसरिया इलाके में उनका घर पड़ता है, जहां पर अभी ड्रोन अटैक किया है। अभी ये बड़ा ड्रोन अटैक किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से और एक दो नहीं, कई ड्रोन तरीके से बमबारी की गई है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये हेलीकॉप्टर है, उसके पीछे एक ड्रोन है, इसी तरीके से यहाँ पर सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक केसरिया इलाके में जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू का घर है वहां पर लगातार ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक किए गए हैं। तो निशाने पर बेंजामिन नेतन्याहू थे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू अपने उस वाले आवास पर नहीं थे, ना ही उनकी पत्नी थी, ना ही परिवार का कोई सदस्य था, तो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तस्वीरें सामने आ गई हैं, वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, बेंजामिन नेतन्याहू की सिक्योरिटी और ज्यादा सख्त कर दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। और हम देख रहे हैं लगातार इस जंग में एक के बाद एक नए ट्विस्ट आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ईरान और लेबनान से इजराइल की जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ जहां से शुरुआत हुई थी गाजा से, अब वहां पर भी देखिए पलटवार लगातार चल रहा है। हमास शिप के मारे जाने के बाद लगातार इजराइल जो है चौतरफा घिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इजराइल के हौसले अभी भी बुलंद हैं। इजराइल का साफ कहना है कि जब तक इधर हमास हमारे जो जिनको कैद किया गया है उनकी जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक हमले नहीं रुकेंगे। लेकिन अब देखिए हिजबुल्लाह ने यह बड़ा हमला कर दिया है प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पर, जहां पर एक साथ कई ड्रोन से जो है अटैक किया गया है, निशाना बनाया गया है प्रधानमंत्री नेतन्याहू को, लेकिन सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री उस वक्त अपने इस वाले आवास पर मौजूद नहीं थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।